अमेरिका में करीब 32 लाख किसान हैं और वहाँ की सरकार उन्हें 20,000 करोड़ डॉलर की सब्सिडी देती है। भारत में 60 करोड़ किसान हैं और यहाँ की सरकार उन्हें सिर्फ 6,000 करोड़ डॉलर की सब्सिडी देती है। किसानों के नाम पर चलाई जाने वाली योजनाएं दरअसल किसानों की नहीं बल्कि किसानों के नाम बड़ी बड़ी कंपनियों की झोली भरती हैं। सरकार हर साल किसानों के नाम पर 6,000 करोड़ डॉलर की सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी को खत्म करने के लिए सरकार पर मार्केट का दबाव है, लेकिन विडंबना देखिए कि कृषि क्षेत्र से सब्सिडी खत्म करने की बात करने वाले वो लोग हैं जो बड़े कॉरपोरेट्स को बेल आउट पैकेज देने की पैरवी करते हैं। बात इतनी सीधी भी नहीं है जितनी लगती है। असल में किसानों के नाम पर दी जाने वाली ये सब्सिडी किसानों तक पहुंचती ही नहीं है। सरकार दरअसल ये सब्सिडी फर्टिलाइजर्स, बीज और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों को देती है, यानी किसान के नाम पर बड़ी कंपनियां मालामाल हो रही हैं और किसान बदनाम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम यूरोप और अमेरिका जैसे देशों पर नज़र डालें तो वहाँ सब्सिडी सीधे किसान को दी जाती है। इसके अलावा डीजल को डीरेगुलेट करके भी सरकार ने किसानों पर ही बोझ डाला है। बिजली के बढ़ते दाम भी किसानों की लागत को और बढ़ा चुके हैं। आज हालात ये है कि अगर मौका मिले तो ज़्यादातर किसान खेती छोड़ने को तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।